एटा में पुरानी रंजीत को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार। नामदर्द पांच लोगों ने युवक को घर से खींच कर मारी दो गोलियां। हैदराबाद में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं हत्या की गर्दन को लेकर गाँव में भारी तनाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में पुरानी रंजीत के चलते 6 जनवरी को बुधवार की देर रात जिले के जयथा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला गुमाली में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान का दुश्मन बन गया और घर में खींचकर गोली मारकर उसके निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला जिले के जयथा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला गुमाली का है। दरअसल रंजीशन केशपाल जाटव ने अपने पास साथियों को के साथ मिलकर रामपाल जाटव को मारने की योजना बनाई और घर में खींच लिया। पहले की जमकर पिटाई की, उसके बाद गोली मारकर मौत को घाट उतार दिया। आसपास के लोगों को जानकारी हुई, सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रामपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केशपाल को तमंचे के साथ कारतूस के साथ अरेस्ट कर लिया। वहीं साथी भागने में सफल रहे। मृतक रामपाल के भाई रामकिशन ने बताया, मेरा भाई रामपाल खाना खाकर घर से निकला था, तभी केशपाल ने 3 साल पुराने रंजीत को मानते हुए उसे पकड़ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले में एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामला जयथा थाना हमारे भाई साहब को मर्डर कर दिया, गोली मार गई। किसने मारी है गोली? केशपाल। कहाँ के निवासी हैं आप? नगला गुमानी के। कौन सा थाना पड़ता है? जयथरा। अच्छा, फिर आपसे ये क्या पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी कम चली जाए, ये भाई रंजिश मना तो भाई चला है, हमारे बड़े भाई खत्म कर दिया ऐसे ही, हमारे जय रामपाल भाई साहब खत्म कर दिए। आज जब गोली कांड हुआ तो कोई कारण रहा, क्या लड़ाई हुई थी उन्होंने? कुछ नहीं, हमारे घर से खाना खा रहे थे भाई साहब जी, भाई आगे नल लगा हमारे द्वारा, वहीं पर पानी पीने भाई वहीं तक खाँचे गलाएगा, इरादा से जाके हम गोली मार दें तो छोड़ेंगे नहीं। जयथरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का प्रकरण सामने आया, क्या है पूरा मामला? थाना जयथरा क्षेत्र में आज शाम को 6 बजे के लगभग दो जाटों परिवारों में एक 3 साल पुराने 307 IPC के केस को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में केशपाल जाटो पक्ष ने रामपाल नाम के दूसरे जाटो व्यक्ति को सिर में गोली मार दी। जिला अस्पताल परिजन उसको इलाज के लिए लेके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में FIR थाना जयथरा पे दर्ज की गई है। परिजन आ गए हैं, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। आरोपी केशपाल जाटो को घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।